Congratulations, Dushyant, for finally cracking your dream NLU. How are you feeling? Thank you so much. ठीक ही लग रहा है ऐसा, but still बहुत ज़्यादा uncertainty है. But जो preparation रही and जो end में माहौल रहा, उसपे हम बाद में आएंगे. But honest feeling क्या है अभी after you know getting the NLU, जो आप शायद foundation batch के थे, if I remember. तो कैसा रहा, आपने 11th 12th में prepare किया, आपने शायद 11th में भी दिया था, right? And then अभी भी दिया. तो now finally after knowing that हाँ NLU जा रहे हो, तो वो रिलैक्सेशन है, कैसा लग रहा है? रिलैक्सेशन नहीं कह सकते इस चीज को, हल्का सा अनसर्टेनिटी है. मैं कुछ और चीज एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, और फिर जो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी फिगर आउट करके थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्सिटीज है उसको सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ. ओके, नॉट अ क्लियर कट आंसर फॉर दैट, बट ठीक है. सो टू बिगिन विथ, लाइक ये जो जर्नी रही है आपकी, यू वर इन द फाउंडेशन बैच, राइट? नाउ फाउंडेशन यानी 11th और 12th दोनों में आपने प्रिपेयर किया. सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? आप शुरू से क्लियर थे आपको लॉ ही करना है? वाज देयर समवन फ्रॉम योर बैकग्राउंड इन योर फैमिली हु इन्फ्लुएंस्ड यू टुवर्ड्स दिस ड्रीम? फैमिली बैकग्राउंड तो कुछ नहीं था, जैसे आई यूज्ड टू डिबेट अ लॉट इन माय 9th एंड 10th. तो वहां पे जो कंटेंशंस जो मैं देता था, बहुत सारी उसमें से लीगल बेसिस था उसका. तो जो मैंने रिसर्च की, और फिर जो मेरे सीनियर्स थे वो भी लॉ कर रहे थे उनके रिस्पेक्टिव लॉ स्कूल से, तो मुझे लगा कि इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसमें इंटरेस्ट आया. तो फिर ज्यादा कुछ सोचा नहीं, सीधा यहाँ आ गया. ओके, सो इन स्कूल यू गॉट टू नो कि ठीक है लॉ ही करना है, एंड यू देन नाउ यू आर हियर. ओके, सो 11th में यू प्रिपेयर्ड, एंड डिड यू अटेम्प्टेड क्लैट एग्जाम इन 11th एज वेल? ओके, हाउ वाज इट देन? इट वाज गुड, आई स्कोर्ड AIR 203 एज वेल. ओके, दैट्स नाइस. एंड नाउ लाइक जस्ट अभी क्लैट से पहले जो माहौल हो गया था, एकदम से क्लैट कंसोर्शियम की गाइडलाइंस आ गई थी, डिड दैट अफेक्ट योर प्रिपरेशन? एक्चुअली मेरे लिए तो एक एच था, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो तो एक रिटेंशन हो जाता है पैसेजेस का. तो अगर आप अंडरलाइन नहीं कर रहे हो तो भी आपको कॉम्प्रिहेंशन तो आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता ही है. तो एक एज मिल जाता है क्योंकि दूसरे लोग उस चीज पे रिलाई कर रहे होते हैं. तो इट्स ऑल अबाउट योर कंपटीशन. तो अगर वो एलिमिनेट हो रहा है तो मेरा काम इजी हो गया. तो अंडरलाइनिंग इज बेसिकली लाइक एक वो शॉर्टकट था उन लोगों के लिए जो लेटर ऑन तैयारी करते हैं, सो दे गेट टू नो कि हाँ ये है, बट क्योंकि आप पहले से ही कर रहे हैं सो इट वॉज वेरी सॉर्टेड आउट. रिटेन करने की बात होती है, जो नहीं कर पाता वो ज्यादा उस पे रिलायंस पुट करता है. मेरा था नहीं ऐसा कुछ, तो आई वाज ओके. ओके ओके, एंड आपकी प्रिपरेशन कैसी रही? कोई आपकी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी जो आपने 11th में यूज की, एंड देन 12th में जब आप आए, जब फाइनली था कि 11th में तो वी जस्ट गेव इट फॉर द सेक ऑफ इट, राइट, कि एक प्रैक्टिस हो, 12th में क्या रहा जब आपने उस साल क्या स्ट्रेटजी रही स्पेसिफिकली व्हाइल यू वर इन 12th? लाइक आई बिलीव इट्स बहुत ही सब्जेक्टिव प्रेपरेशन हो सकती है इसकी. तो मैं ये करता था कि मेरे जो वीक पॉइंट्स थे, और कुछ सर्टन छोटे छोटे हैक्स होते हैं जो आपके मार्क्स को एकदम से इंक्रीज कर देते हैं, तो वो कुछ हर एक आदमी के ऐसे 5-6 हैक्स हो सकते हैं जिन्हें वो लगा के, क्योंकि इट्स वेरी सब्जेक्टिव. तो आई यूज टू ऑब्जर्व पीपल, टॉक टू द टीचर्स, और मैं खुद अलग अलग अप्रोच लगा के देखता था कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे हैं. ऑल्दो एक अप्रोच सारे क्वेश्चंस पे नहीं बैठती है, ऐसा कोई वन साइज फिट फॉर ऑल ऐसा कोई कुछ नहीं होता है. आपको ऑब्जर्व करना है कि मैक्सिमम पोटेंशियल मैं किस अप्रोच से निकाल सकता हूँ, ज्यादा मार्क्स कौन डिलीवर कर रहा है. परफेक्ट या परफेक्ट अप्रोच कुछ हो ही नहीं सकती है, बट बेस्ट अप्रोच जरूर हो सकती है. ओके, एंड वो आपको, आपके पास यू हैड सफिशिएंट टाइम टू नो व्हिच अप्रोच इज वर्किंग फॉर यू, एंड यू लेटर ऑन यूज दैट इन योर, दैट कैन बी डन थ्रू प्रैक्टिसिंग डिफरेंट क्वेश्चंस एंड ऑब्जर्विंग डिफरेंट पीपल एज वेल. तो आपको एक हल्का सा एक क्रॉस एंड एरर मोर ऑफ लाइक दैट, राइट? ओके, एंड नाउ कमिंग टू योर फैकल्टी, बुक्स, स्टडी मटीरियल, उसको लेके आपकी क्या अप्रोच थी, स्पेशली स्टडी मटीरियल, नोइंग दैट क्लैट का कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, राइट? सो यू आर एक्चुअली स्टडीइंग जो अभी तक चल रहा है, चलता आ रहा है, राइट? तो उस पे आपका क्या कहना है? उसमें तो आप सोचो उतना अलग करने की कोशिश करो तो आपको ज्यादा एज मिलती है, आपके सर्वाइवल के चांसेस बेटर होते हैं. तो मेरा ये मानना था कि जो लॉ प्रिप के मॉड्यूल्स थे वो तो बेसिक चीज करा रहे हैं, तो एटलीस्ट वो तो कर लूं, तब जाके मैं दूसरी चीज पे आऊंगा तो वो मुझे ज्यादा एक बेटर एक अपर हैंड दे पाएंगे. तो आप जो सिमिलर एग्जाम्स होते हैं जैसे GMAT और CAT, इनके पैसेज उठा के अगर सॉल्व करेंगे तो एक ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जब आपने प्रैक्टिस कर लिए, तो जब आपको कुछ भी दो तो आप नेचुरली वो चीज आराम से, हाँ, अगर आप टफ कर लिया है तो नेचुरली इजी तो आप कर ही सकते हो. लाइक द पॉइंट हियर पर्टिनेंट, इट इज वेरी पर्टिनेंट टू नोट ओवर हियर इज दैट द फैक्ट कि बेसिक्स बहुत जरूरी है. बेसिक्स ओनली व्हेन यू आर डन विद योर बेसिक्स यू कैन स्विच ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, राइट? सो व्हाट वॉज योर नेक्स्ट स्टेप? लाइक यू डायरेक्टली स्विच टू द मॉक्स, या आपने थोड़े कॉन्सेप्ट्स पे काम किए, सेक्शनल टेस्ट होते हैं जैसे लॉ प्रेप के, उस पे काम किया? व्हाट वॉज योर अप्रोच ओवर देयर? Mocks and I believe CAT previous year papers and different GMAT questions really helped. Okay. Yes. So your direct target was ki ek bar to aapne hop kiya hi to directly to GMAT questions. Yes. Okay. And now coming to the faculty. See,
बहुत सपोर्ट रहता है पेरेंट्स का भी आई बिलीव. सो व्हाट वाज योर सीन, आपके सीन क्या था, फैमिली पे कैसा रहा, दे वर सपोर्टिव एंड उनका क्या टेक था ऑन योर क्लैट प्रिपरेशन एंड नाउ नोइंग दैट यू हैव ओके फाइनली गॉट इट टू एनएलयू. सो यस सपोर्टिव वो थे एक्चुअली, हेल्प भी उन्होंने बहुत की. इमोशनल सपोर्ट आपको चाहिए होता है क्योंकि इट्स वेरी, इस एग्जाम में कोई शॉर्ट शॉर्ट नहीं कह सकता कि आपको यही मिलेगा. इट डिपेंड्स ऑन 2 to 4 दैट फर्स्ट वीक, फर्स्ट संडे ऑफ डिसम्बर. तो इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है और आपको एक्नॉलेज करना है कि जरूरी नहीं कि आप टॉप लॉ स्कूल जाएं, बट एक अच्छी रैंक सिक्योर करने के लिए आपको अपने सेलेक्ट ना होने के चांसेस को कम करना है. तो उसके लिए एक बहुत ही ज्यादा एक इमोशनल बेसिस आपको चाहिए होता है, ताकि इवन यू आर प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, तो आप फिर आपके जब डर नहीं होगा तब आप ज्यादा डायनामिक प्रिपरेशन कर पाओगे एंड विदाउट एनी स्ट्रेस, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लाइक वी सी स्टूडेंट्स, उनको एग्जाम से ज्यादा डर इस बात का रहता है कि यार घर पे क्या बोलेंगे अगर नहीं हुआ तो. तो आपके केस में क्या था कि मतलब इवन इफ इट गोज वेल, इफ इट डजंट गो वेल, आपका क्या टेक था? वर यू न्यूट्रल? यू न्यू कि भाई मेरी फैमिली तो सॉर्टेड है? आई न्यू मेरी फैमिली सॉर्टेड है, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर करते हो तो पेरेंट्स को दिख जाता है और वो भी बस ये चाहते हैं कि आप एफर्ट्स डालो. उसके बाद तो क्या होता है, वो भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने भी बहुत कुछ देखा है. हाँ, तो वो समझ जाते हैं, समझ जाते हैं. सो इवेंचुअली एफर्ट्स मैटर एंड वो आपने, यू बिलीव मैंने पूरा किया था. यस ओके. एंड टीचर्स का क्या रोल रहा, हाउ सपोर्टिव दे वर, यू नो एलपीटी एज वी से स्टूडेंट्स के साथ पूरा टाइम रहते हैं, सो इन योर केस हाउ सपोर्टिव दे वर? आई थिंक कोचिंग में मटेरियल से ज्यादा फैकल्टी मैटर करती है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है जो कि और कोई नहीं दे सकता, बुक्स नहीं दे सकती आपको, सिर्फ आपके टीचर्स दे सकते हैं. और एक मेरा ये मानना है, एक लिबरल और एक बेसिक अप्रोच जो एग्जाम में चाहिए होती है, एक जो लेंस आपको, जिस लेंस के थ्रू आपको देखना है, वो टीचर्स ही प्रोवाइड कर सकते हैं. तो एक बहुत ही ज्यादा बेसिक आंसर है, बट बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आपके टीचर्स कौन है. सो दे बेसिकली यू नो प्रिपेयर यू फॉर द अनएक्सपेक्टेड. यस लाइक फॉर इन दिस एग्जाम AR कोई नहीं करता, राइट? AR सब रहता है, हम एलेट में देखेंगे, बट AR आया एंड उसका जो क्योर्स हुआ बाद में वो बहुत ही विजिबल था. सो हाउ यू डेल्ट विद दैट? आर यू गिविंग एलेट? डिड यू गिव एलेट? मैंने पिछले साल दिया था, काफी अच्छा था. नहीं, एलेट में दे रहा हूँ. तो मेरा ये था कि अब मेरे लिए 6 marks बहुत इंपॉर्टेंट थे. जब इतना पढ़ के जा रहे हो तो 6 marks को आप स्ट्रेट अवे छोड़ नहीं सकते हो. और मेरा पहली बार भी निकला, मैंने उसपे एटलीस्ट उसको 4 attempts किए, 15 minutes भी लगाए, बट उसका रिजल्ट कुछ नहीं था. तो मेरे को था कि अटेम्प्ट तो एटलीस्ट कुछ करना ही है, तो कुछ ना कुछ करके अटेम्प्ट तो किए, बट फिर बाहर आया तो पता चला कि तो गलत है, क्योंकि अगर किसी का नहीं बन रहा है तब तो कोई इशू ही नहीं है. इस बार बहुत ही सिंपल पैसेजेस दिए इवन जीके में भी पैसेज बेस्ड आया सो वाज इट अ रिलीफ फॉर यू कि हमने इतनी जीके जो मैराथन हुई है तैयारी की है और पैसेज आया एकदम जो RC विच वी नो बाय हार्ट. सो आपका क्या रिएक्शन था as soon as you saw the paper? बहुत ही ज्यादा नेगेटिव था, क्योंकि इतना ज्यादा प्रिपेयर करके जा रहे हो, अगर ऐसा पेपर आता है तो आपके लिए वो चीजें फेवरेबल नहीं है. बट मेरा इसमें एक और पर्सपेक्टिव है, उस अगर उस क्वेश्चन सारे पैसेज से भी आ रहे हैं तो बहुत सारे लोग ये सोचते ही नहीं है और वो पैसेज पढ़ते नहीं है क्यों, और वो उसको उतना टाइम एलोकेट नहीं कर पाते जितना वो मांगता है. तो बेसिकली वो भी वहां पे आपकी रीडिंग स्पीड ही टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर इतनी इजी थी तो सबके तो नहीं आ रहे 28. तो मेरे हिसाब से क्योंकि 120 का हो गया था आपका पेपर, और वो रीडिंग ही चेक करते हैं एसेंशियली कि आप रीड कितना जल्दी और अच्छे से कर पाते हो. तो पैसेजेस देने का उनका यही सेंस था कि वो सारी चीजें करने के बाद भी किसके पास टाइम है कि पैसेज छोड़ता है, क्योंकि 80 क्वेश्चंस 100 मिनट्स में कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आपको 108 क्वेश्चंस पूरे पैसेज से आ रहे हैं तो उसको रीड करना हल्का सा डिफिकल्ट होता है. So it was like you know they played really nice over yes. here and I think it must be very easy for you because 1000+ marks आपने दिए ही हैं तो RC तो you would be very used to right passage तो मतलब वो दाएं हाथ का खेल हो गया होगा अब तक तो right and coming to the analytical part like तो वो जब आया so you were prepared you gave it मतलब you attempted all those questions okay amazing and any other thing that जो भी अब आने वाले CLAT aspirants है जो future law aspirants है उनको आप कुछ बताना चाहोगे what you want की जो takeaway एक तरीके से जो आप देना चाहोगे उनको? एक actually मैंने चीज यहाँ पे आके observe की थी, मतलब कुछ पास आउट्स थे यहाँ के जो ऑब्वियसली Tier 1 NLU's में गए थे, तो उन सबने कहा कि हमने प्रिपरेशन बहुत अच्छी की. तो मैंने किसी से क्वेश्चन पूछा कि आपने इतनी अच्छी की और अगर आप 11th में भी अगर हैदराबाद निकाल रहे हो लेकिन फिर आप बाद में जाके उससे ऑल्दो दैट्स Tier 1 बट उससे नीचे वाली कॉलेज में जा रहे हो और आपने प्रिपेयर पूरा किया है तो फिर आपने NLS क्यों नहीं स्कोर किया? तो उन्होंने बोला डिपेंड्स अपॉन D day कि उस दिन क्या होता है.
तो एक्चुअली मेरा वो दिन तो काफी खराब गया था, ढंग से नींद नहीं आ रही थी हम्म, और पूरा बॉडी एक हो रहा था, लेकिन मुझे प्रूफ भी करना था कि इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप दो से चार क्या क्या आपने किया है वो वहां पे, कर उससे रहे फर्क पड़ता है। पूरा दिन कैसा भी जाए तो हो। आप ये मत सोचो कि आपके पास कोई डिसएडवांटेज है, और आपको हमेशा अपने सेलेक्ट ना होने के चांसेस को कम करना है, ना कि सेलेक्ट होने के चांसेस को बढ़ाना है। हाँ क्योंकि अगर आपने उन पहले वाले पर्सपेक्टिव से काम किया है तो कुछ भी आएगा तो आप फ्रीक आउट नहीं होगे और बहुत इजीली अप्रोच कर दिस वॉज पाओगे। इंडीड अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव दुष्यंत, जो आपने यहाँ पे रखा है। डेफिनेटली डी डे प्लेज अ वेरी बिग रोल, बट उसके लिए बैकिंग होनी चाहिए कि यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड। यस ओनली थ्रू आउट द जर्नी अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तभी यू विल बी यू नो वो फ्रूटफुल होगा डी डे के लिए। यार, एक और पॉइंट था एक्चुअली, जिससे लोगों ने कहा कि बहुत ही इजी पेपर आ गया, तो इसमें पढ़ाई का सेंस नहीं बना, बट लोग ये नहीं सोचते कि जिसने पढ़ाई की है उसके पास कॉन्फिडेंस क्या है। क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो आप पेपर से पहले भी कॉन्फिडेंट हो, और जब तक वो इजी सेक्शन नहीं आया तब तक तो आप में कॉन्फिडेंस है ही है। तो लोग सिर्फ डायरेक्ट रोल देखते पढ़ाई का, इनडायरेक्ट रोल नहीं देखते जो आपके कॉन्फिडेंस में वो देती हाँ है। एग्जैक्ट, कॉन्फिडेंट जो पढ़ रहा है उसको डेफिनेटली इजी यस लगेगा, और जिसने नहीं पढ़ा है तो दे हैव मेनी रीजंस यू नो यस कोसने को दैट वे, ब्लेम तो राइट? किसी भी चीज को कर सकते हो एग्जैक्टली आप। एग्जैक्टली दैट वे। एनीथिंग एल्स, एनी अदर टिप दुष्यंत? लेट्स क्विकली सम अप दिस एंड इफ यू हैव लास्ट फ्यू वर्ड्स। आई थिंक जो प्रेपरेशन है वो काफी सिंपल रखनी चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी करके, और अपनी कैपेसिटी को भी जानो एक बार कि आप कितना कर सकते हो। आप अननेसेसरी बहुत सारी चीजें अपने रोस्टर में डालोगे और वो चीजें नहीं कर पाओगे तो लास्ट में गिल्ट होगा। तो इजी सिंपल रखो, और प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करो कि वो क्वेश्चन, इस पेपर की डिमांड क्या है। क्योंकि आपको एट द एंड आपको एक डिमांड को कैटर करना है, और वो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के एनालाइज कर सो सकते हो। अपार्ट फ्रॉम रीथिंग जस्ट दी व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से, कंसोर्शियम क्या बोल रहा है वो भी ध्यान रखना हाँ, वो पड़ेगा। भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दैट कैन बी डन ओनली थ्रू पी वाई पीवाईक्यू। पी राइट राइट ओके, थैंक यू सो मच दुष्यंत, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।